आइए दोस्तों समझते हैं इस वीक में यूरो यूएसडी एंड यूएस ऑयल कहां ट्रेड कर सकता है, किस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले यूरो यूएसडी करेंसी पेयर डेली टाइम फ्रेम में क्या सेटअप दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में हम कैसे एनालाइज करें एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी में क्या सेटअप दिख रहा है, कहां ट्रेड हम इस वीक में कर सकते हैं। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले एक रेसिस्टेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि प्रीवियस टाइम मार्केट ने काफी अच्छे से रेसिस्टेंस लिया। देखो प्रीवियस टाइम कहां रेसिस्टेंस लिया, देखो ये रेसिस्टेंस यहां पे भी अगर आप देखेंगे ना बहुत अच्छे से मार्केट ने इसलिए बिल्कुल रिस्पेक्ट किया है एज ए रेसिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस लिया ब्रेकआउट किया, डाउनफॉल किया, ब्रेकआउट करने के बाद देखो यहां से रेसिस्टेंस लिया, डाउनफॉल किया, अगेन रेसिस्टेंस लेने के बाद देखो यहां से बेरिश कैंडल बनती हुई आपको नजर आएगी। मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस एरिया था, काफी अच्छा रेसिस्टेंस, ठीक है, पूरा एरिया है ये रेसिस्टेंस। चलो अच्छी बात है, ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है, किस लेवल से आ रहा है ये आप देख सकते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम में। चलो मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहां पे कुछ इस तरीके का यहां हमें एक सिंपल सा चार्ट दिखाई दे रहा है, जो कि रेसिस्टेंस से बैक टू बैक यहां पे बैरिश कैंडल बन रही है, रेसिस्टेंस से बैक टू बैक रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे बात आती है सर कितना और यहां से डाउनफॉल कर सकता है यूरो यूएसडी, कितना और यहां से गिर सकता है, किस लेवल को सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। यहां पे जो सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा सर यही एक सपोर्ट लेवल है, यही एक सपोर्ट एरिया यहां पे हो सकता है। अब क्यों हो सकता है ये सपोर्ट दिखाता हूं। प्रीवियस टाइम यहां पे आप देखो इस लेवल को, इस एरिया को कितने अच्छे से यूरो यूएसडी ने रिस्पेक्ट किया है। मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेता हूं, और ये जो हमारा रेसिस्टेंस है थोड़ा इसको माइनर कर देता हूं। अब देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये जो रेसिस्टेंस यहां पे हमने मार किया है ये प्रीवियस टाइम, ध्यान से देखो प्रीवियस टाइम मार्केट के लिए क्या था, रेसिस्टेंस था, इसके बाद ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहां से क्या हुआ, ब्रेकडाउन करने के बाद देखो यहां से बहुत अच्छे से मार्केट बुलिश कैंडल बना रहा था, ठीक है, यहां पे बट क्या हुआ, एक बैरिश कैंडल बन गई, ठीक है। क्यों बनी, क्योंकि ये एक प्रीवियस टाइम मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया था, तो मार्केट ने यहां से इसको रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद देखो यहां से इंस्टेंट ब्रेकआउट दिया और काफी अच्छा रेसिस्टेंस के आसपास हाई लगाया, इसके बाद बैक टू बैक यहां से बैरिश कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। तो ये वाला जो एरिया है यहां पे जो हमने निकाला है ये बहुत अच्छा सा एक एरिया नजर आ रहा है एज ए सपोर्ट, ये फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है फ्रेंड्स। क्या है ये फर्स्ट सपोर्ट एरिया हो सकता है, क्यों हो सकता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। पहले तो देखा हमने ये एक प्रीवियस टाइम मार्केट ने सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया तो यहां से मार्केट के लिए एक सपोर्ट है, ठीक है। सेकंड कंडीशन यहां पे हम देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर आप यहां से लो टू हाई फिबोनाची को मार करोगे तो आपको बहुत अच्छे से यहां से समझ में आएगा कि ये एक काफी अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल है। कौन सा है, ध्यान से देखो 0.5% का लेवल एंड 0.618% का लेवल के आसपास आपने देखा होगा सर मैक्सिमम टाइम मार्केट इन दो लेवल्स को रिटेस्ट करने आता है मार्केट, कुछ ऐसा ही यहां पे भी हो सकता है, मे बी मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करे, ठीक है, सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद बुलिशनेस शो करता हुआ यूरो यूएसडी देखने को मिले। सो चलिए फ्रेंड्स ये हमने एक फर्स्ट वाला सपोर्ट यहां पे मार किया है, ठीक है। अगर इस फर्स्ट सपोर्ट को यहां पे ब्रेक डाउन करता है यूरो यूएसडी तो सेकंड सपोर्ट यहां पे हमें जो दिखाई दे रहा है ये वाला सेकंड सपोर्ट हमने क्यों मार किया है ट्रेडर्स, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम यहां पे बहुत अच्छे से यूरो यूएसडी ने टाइम स्पेंड किया है, इसके बाद यहां से इसको जैसे ब्रेकआउट किया इंस्टेंट मार्केट ने यहां से अप मूव दिखाया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां से अगर फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करता तो सेकंड सपोर्ट तक भी यहां पे सपोर्ट लेने आ सकता है। तो ऐसा करके ट्रेडर्स सिंपल सा इस वीक में हमने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरियाज को मार किया है यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में। चलिए अब हम समझ लेते हैं यूएस ऑयल में हमें क्या सेटअप दिख रहा है, कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। चलो तो ये यूएस ऑयल का यहां से मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहां पे सबसे पहले आप देखो प्रीवियस वीक जो हमने एक रेसिस्टेंस मार किया था, देखो मार्केट ने बहुत अच्छे से इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, प्रीवियस टाइम जब रेसिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा था, देखिए यहां पे डेट के साथ आप देख पाएंगे ये रेसिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा था, हमारा क्या व्यू था, ये एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस हो सकता है, मार्केट रेसिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है तो यहां से डाउनफॉल कर सकता है, और देखो यहीं से यूएस ऑयल ने डाउनफॉल किया है, देखो यहां
यहाँ से काफी अच्छा टारगेट बुक हुआ, इसके बाद अगेन यहाँ से रेसिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये बहुत अच्छा एक रेसिस्टेंस एरिया है। इस एरिया को प्रीवियस टाइम मार्केट ने देखो कितने अच्छे से यहाँ से रिस्पेक्ट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और अभी भी रेसिस्टेंस पर ही खड़ा हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, समझिएगा, अगर इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है यहाँ से, तो फिर एक अप मूव यहाँ पे हमें यूएस ऑयल में देखने को मिल सकता है। कहाँ तक अप मूव आ सकता है? हमारा रेसिस्टेंस, नेक्स्ट वाला रेसिस्टेंस, ये है ना हमारा नेक्स्ट रेसिस्टेंस। कौन सा एरिया है, चलो एरिया देख लेते हैं, 76.66 एंड 75.23 का ये एक रेसिस्टेंस एरिया जैसा हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेसिस्टेंस, लेकिन फर्स्ट वाला जो रेसिस्टेंस है इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, तभी यहाँ से इस लेवल के आसपास एक अप मूव देखने को मिल सकता है। अभी छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं, थोड़ा चार्ट को और मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊं ताकि थोड़ा समझ में आए आपको, ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो एक सपोर्ट था, माइनर सा सपोर्ट, अभी जो हमने यूरो यूएसडी में यहाँ पे एनालाइज किया था, कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। देखो यहाँ से रेसिस्टेंस लिया है, या रेसिस्टेंस लेने के बाद डाउनफॉल किया, कहाँ तक डाउनफॉल किया, यहाँ से देखो आप लो टू हाई, अगर आप फिबो को मार करोगे, एफआईवी रिट्रेसमेंट को यहाँ पे मार करोगे, तो आपको समझ में आएगा। देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से 0.5% के लेवल को यहाँ से देखो रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद देखो यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे दिखाया। तो प्रोबेबिलिटी क्या है ट्रेडर्स, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से देखो मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, हायर लो, अगेन यहाँ से हायर हाई के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल के आसपास यहाँ पे एक अप मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा करके हमें एक सिंपल सा सेटअप दिखाई दे रहा है यूएस ऑयल 4 आवर के टाइम फ्रेम में। आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालाइज यूरो यूएसडी एंड यूएस ऑयल का आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा। इस वीक में हम यूएस ऑयल एंड यूरो यूएसडी में किस तरीके से एक सिंपल इजी एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई, थोड़ा भी आपको इस वीडियो से हेल्प मिला, थोड़ा भी नॉलेज मिला, तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं ट्रेडर्स एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।